ओम शांति। 22 अगस्त के ईश्वर दान में सुख का स्वागत है। परमात्मा पिता कहते हैं कि अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भवा। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। हमेशा उमंग उत्साह में रहना चाहिए, जैसी भी परिस्थिति आ जाए, मतलब कि उदास नहीं होना, मूड ऑफ नहीं करना। एक परमात्मा कहना चाह रहे हैं, क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, हमने क्या किया, ऐसे ही क्यों हो गया, हमारे साथ ही क्यों करते हैं, नहीं। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। नीरस जीवन कब होता है? जब हम सब कुछ पाते हुए भी हम खुश नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें परमात्मा के साथ में कनेक्शन जोड़ने का मौका मिल रहा है, तो फिर इसका मतलब हमारा नीरस जीवन नहीं है। जब दुनियावी चीज़ों से हमें रस नहीं मिल पाता है, हम थक जाते हैं, खा पी करके भी खुशी नहीं मिलती है, कपड़े पहन कर भी खुशी नहीं मिलती है, धन संपत्ति होकर के भी लगता है कि संपूर्ण पूरी तरीके से अंदर से भरपूर नहीं महसूस हो रहे हैं, कुछ भी कमी लगती है, इसका मतलब परमात्मा से लिंक नहीं है। उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है, है ना। कोई तूफान आया, कोई मुश्किल आई, चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। अरे वाह, ये मुश्किल आई है, चलो ठीक है, इसको हम ऐसे ट्राई करते हैं, इसका ऐसे ट्राई करते हैं, इसको इस तरीके से ठीक करते हैं। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ओम शांति।